नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं सीधे, जो कि वाराणसी से है। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक है। सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। एनडीए की ताकत भी दिखाई जाएगी। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और उसके बाद काल भैरव मंदिर में पीएम मोदी करेंगे पूजा। और सुबह 11:40 पर नामांकन का वक्त है। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक, जिसमें आज क्योंकि सुपर सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं। 2014 और 19 में अपार समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। 24 में फिर से मैदान में है। पहली बार कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, फिर कहा कि गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। इस बार पूरा प्लान जीत का बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं 24 के लिए। कल आपने देखा कि 6 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में निकाला और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन जो है कल वाराणसी में दिखाई दिया और वहां से जीत की जो लहर थी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी बीजेपी 400+ सीटों की बात कर रही है, पूरे यूपी में मैसेज देने की कोशिश की गई कल। और वाराणसी से प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत, आज हर किसी की नजर है तो वाराणसी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तीसरी बार, कैसी तैयारियां आपको दिखाई दे रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, एनडीए के उनके साथी पहुंच रहे हैं। देखिए विपनेश, ऐसा कि अभी मैं ठीक उसी जगह पे हूँ जहाँ प्रधानमंत्री उस दशाश्वमेध घाट पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से काल भैरव के लिए निकलेंगे, फिर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। 12 मुख्यमंत्री, 18 मंत्री, तमाम पूरा एनडीए का कुनबा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। जब भी कोई परीक्षाएं घड़ी होती है तो पूजा पाठ होता है। प्रधानमंत्री तीसरी बार उम्मीदवार हैं तो यहां से पूजा अर्चना करके अपना नामांकन दाखिल करेंगे और बनारस सीट पे तीसरी बार प्रत्याशी है। प्रशांत, तस्वीर दिखाते रहिए और बताते भी रहिए साथ में। आप नहीं होता है ये सबको पता है, लेकिन तस्वीरें जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा इलाका ये जो दशाश्वमेध घाट का है, ये पूरा इलाका एक तरीके से सिर्फ जो लोग संबंधित हैं वही लोग हैं, सब कुछ यहाँ पे रोक दिया गया। सामने जो ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक क्रूज है, उस क्रूज पे प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है। सामने जो ये मंच देख रहे हैं जहाँ ब्राह्मण लोग खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं, ये पूजा कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी को। और ये पूरी तस्वीर जो बृहंगम तस्वीर आपको दशाश्वमेध घाट पे दिखाई दे रही है, ये प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी की है। गोदौलिया चौक से बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो पुराना द्वार है और वहाँ से लेकर के गंगा घाट तक के रास्ते को पूरा एक कॉरिडोर बना दिया गया है। आज न तो कोई वहाँ रिक्शा चल रहा है, न कोई गाड़ी चल रही है, सिर्फ पैदल जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करने वाले हैं, वही वो आ जा सकते हैं। और इस घाट पे भी आज जो नाव चलती है वो नाव बंद है। जितनी भी नाव की मूवमेंट आप देख रही हैं ये सब इंतजाम में है, सुरक्षा इंतजाम में है और अलग अलग तरीके के इंतजाम में है। ये जो लोग पीछे हमारे दिखाई दे रहे हैं ये पैदल चल करके अपना गंगा स्नान कर रहे हैं, अपना पूजा पाठ ये कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ प्रतिबंधित है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये तस्वीरें यहाँ पे बोल रही है कि किस तरीके से भव्य तैयारी यहाँ पे बनारस में है। और आज ही नहीं, कल शाम से जब से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ तब से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल में आज के इस नामांकन से बनारस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूर्वांचल है, इस पूर्वांचल का गणित ऐसा है जो थोड़ा सा टफ होता है। तो इतनी भारी भरकम ताकत शक्ति प्रदर्शन से जो पूर्वांचल के गणित है उसको साधने की कोशिश है। मैं बात कर रहा हूँ गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे बीजेपी उतनी सहज नहीं होती है, तो यहाँ से इस नामांकन दाखिला के बाद जो शक्ति प्रदर्शन से ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी प्रधानमंत्री मोदी की ताकत से तमाम जो प्रत्याशी मैदान में है वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा से जो पूर्वांचल रहा है बीजेपी के लिए टफ रहा है, तो उस
कठिन उस कठिनाई को आसान करने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं वो भव्य तैयारियां होती है और बहुत बहुत दिल से बनारस में रहते हैं। एक बार फिर से और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये मूवमेंट शुरू हो रही है अब से कुछ ही देर में। जो समय है 8:30 से 8:40 का, प्रधानमंत्री इस सामने जो मंच पर हमारे दिखाई दे रहा है जहाँ पर पुजारी 4-5 खड़े हैं वो यहाँ पर उनको पूजा पाठ कराएंगे। और वो सामने जो आपको ये झंडे दिखाई दे रहे हैं जो ऐसे जहाँ पे गंगा आरती होती है शाम को, जो प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, ये वही जगह है जो शाम को जहाँ पे आरती होती है, यहाँ पे मनोरम दृश्य होता है। तो उसी रास्ते से पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे। यहाँ पे उसके बाद गंगा जी में खड़े होके वहाँ पे हो सकता है कि डुबकी भी लगाएं या फिर पानी के छींटे करके स्नान करें, उसके बाद पूजा अर्चना उनको करेंगे और पुजारी लोग पूजा पाठ कराएंगे। धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ रही है क्योंकि समय बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। ये जितने भी देखिए ये जल पुलिस और जल सुरक्षा के लोग चारों तरफ फैलने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर थी, अब देखिए चारों तरफ ये मूवमेंट होने लगा है, लोग फैलने लगे हैं और प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ से, बहुत ही भव्य तस्वीरें यहाँ से आपको बनारस के इस गंगा घाट से दिखाई दे रही है। लोगों से भी थोड़ी देर पहले हमने बात की, लोगों प्रशांत आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि दिन भर वही नजर रहेगी।